नमस्ते, हम श्री दत्तगुरु शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित हिरकनी विद्यालय गावडेवाड़ी तहसील आंबेगाव जिला पुणे के छात्र हैं और हमने सीर द फ्यूचर एंटरप्रेनर्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और हमारी गर्ल्स टीम है। मेरा नाम सानिका सुनील गावड़े है। मेरा नाम कुमारी ईश्वरी संजय हिंगे है। मेरा नाम कुमारी आकांक्षा जालिंदर गावड़े है। मेरा नाम कुमारी आर्या सुनील थोरत है। मेरा नाम कुमारी साक्षी मधुकर शेजवळ है। मेरा नाम कुमारी अक्षरा जालिंदर टेमकर है। हम सभी कक्षा 9वीं के छात्र है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद हम हमारे गांव के अलग अलग लोकेशन पर कस्टमर सर्वे करने के लिए गए। वहां हमने किसान मजदूर घरेलू महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जान लिया, जैसे कि गाय के गोबर की समस्या, महिलाओं की बर्तन धोने की समस्या, बेबी कॉर्न छिलने की समस्या और मूंगफली को पौधों से अलग करने की समस्या। और इन सभी समस्याओं से हमने मूंगफली का प्रॉब्लम फाइनल किया, क्योंकि इस इलाके में मूंगफली की खेती करने वाले बहुत सारे किसान हैं, जो इस क्रॉप हार्वेस्टिंग के दौरान बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब हमने किसान महिलाओं से बातचीत की तो हमें समझ आया कि मूंगफली के खेतों में निकलने से ज्यादा वक्त उसे पौधों से अलग करने में जाता है और बहुत सारी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। पिछले कई सालों से हम मूंगफली की खेती कर रहे हैं। खेती करते हुए हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। मूंगफली की खेती उगानी आसान है, हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती है। कभी कभार मजदूर भी नहीं मिल कर मिल गए तो वो भी सही तरीके से काम नहीं करते। हमेशा मजदूर की वही शिकायत होती है, मूंगफली तोड़ते वक्त हाथों में कमर में दर्द होता है। इसलिए हमें हार्वेस्टिंग की वजह से मूंगफली की खेती करना कम कर दिए। अगर ये हार्वेस्टिंग की समस्या है उस पर अगर हल निकलेगा उसके बाद मूंगफली और लगाने की हम सोचेंगे। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद इस समस्या का हल निकालने के बारे में हम सभी गर्ल्स ने आपस में चर्चा की और हमारे लीड टीचर के साथ भी चर्चा की। उनसे सलाह ली कि ऐसा कोई मैकेनिज्म हम बना सकते हैं क्या जो इस परेशानी से छुटकारा पा सके। तो ऐसा कोई मशीन बनाने का हमने ठान लिया। मशीन का रफ स्केच हमने बना लिया और उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए शुरू किया। ये प्रोटोटाइप हमने कई स्क्रैप चीजों से बनाया। जब हमने यह प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया तब इस प्रोटोटाइप में हमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स मिले, जिनको बारीकी से स्टडी करने के बाद सभी ड्रॉबैक्स को निकाल कर हमने प्रोटोटाइप में बहुत सारा चेंज किया। इसके बाद 3D एक्सपीरियंस के प्लेटफॉर्म पर हमने फाइनल प्रोडक्ट के लिए डिजाइन बनाया। डिजाइन बनाने के बाद हमने फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। इसके लिए हमने एक एल्यूमिनियम का डिब्बा, उसके लिए स्टैंड, मोटर, चेन, स्क्रू, पुली, अन्य बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट तैयार किया। इस प्रोडक्ट का वेट तकरीबन 8.5 किलो है और घंटे में यह प्रोडक्ट लगभग 45 किलो मूंगफलियां तोड़ता है। इस मशीन को बनाने के लिए 9,520 खर्चा आया। इस मशीन की खासियत, यह मशीन सोलर पे भी चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और मैन्युअली भी चल सकती है। इस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी किया। तब हमें पता चला कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट साइज में ह्यूज, हेवी, हार्ड टू मूव और कॉस्ट में वेरी एक्सपेंसिव है। इसलिए यह छोटे किसानों के लिए नहीं बना है, बल्कि हमारा प्रोडक्ट साइज में वेरी कंफर्टेबल, वेट में लाइट, इजी टू मूव और लागत में सबसे बेस्ट है। इसलिए यह छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। सो हमारे स्टार्टअप का नाम है कृषि कन्या। कृषि कन्या ग्रामीण इलाके की लड़कियों का कृषि क्षेत्र में इनोवेटिव बदलाव करने की भावना से ही किया गया हुआ सामूहिक प्रयास। और हमारे प्रोडक्ट का नाम है सेपरेटिंग नट विथ इजी प्रोसेस, एफर्टलेस हार्वेस्टिंग मींस नट इजी।